भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन के मामले में राजनीतिक अखाड़ों के बीच घिरी रघुवर सरकार हर राजनीतिक दल को खुली बहस की चुनौती दे रही है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता कर प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने विपक्ष की चुनौती देते हुए उन्होंने जल्द ही प्रेस क्लब में खुली बहस की तैयारी की है। बहस की तिथि पार्टी के पदाधिकारी और प्रेस क्लब के अध्यक्ष से बात करने के बाद निर्धारित की जाएगी। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा जनता की भलाई छोड़कर उन्हें विकास से दूर रखते हुए जनता को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो बिल आदिवासियों के हित के लिए बनी है उसे गलत तरीके से जनता के बीच पेश कर जनता को भ्रमित करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से करती आ रही है। प्रतुल सहदेव ने बातों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल के आने से नए थाने बनाए जाएंगे, स्कूलों के लिए ज़मीनें लेकर सरकारी स्कूल को बढ़ाया जाएगा, वहीं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कम पड़ रहे जमीन की वजह से कई स्वास्थ्य केंद्र बहुत छोटे हैं, इस बिल की वजह से स्वास्थ्य केंद्रों को बड़ा करने में आसानी होगी। उसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता यहाँ आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय प्रतुलनाथ सहदेव जी उपस्थित हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर विशेष जानकारी विस्तृत से अपने प्रतिनिधि